35 एकड़ भूमि का मामला लगातार गर्मा गया है। जब पुलिस बल के साथ प्रशासन कब्जा मुक्त करने के लिए गांव पहुंचा तो उन्हें ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकारियों और पुलिस के आने की भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष अपने खेतों और मकानों के सामने डट गए। ग्रामीणों ने दहा और मदनपुर की तरफ से आने वाले सभी रास्तों को जाम कर दिया, जिस वजह से सरकारी गाड़ियां विवादित भूमि तक नहीं पहुंच पा सकी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने टायर में आग लगाकर भी प्रशासन को रोकने का प्रयास किया। ग्रामीणों के आक्रोश को भांपते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार और डीएसपी रामदत्त पुलिस बल के साथ पैदल लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। हाथों में लाठी डंडे लिए ग्रामीणों ने अधिकारियों को चेताया कि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जमीन का यह मामला अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रशासन उनके साथ अन्याय करता है या फिर जमीन को जबरदस्ती खाली करवाने की कोशिश करता है तो आर पार की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने टायर में आग भी लगाई। कब्जा कार्यवाही के लिए दोपहर करीब 12 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार और डीएसपी रामदत्त की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ दहा गांव में पहुंचे। प्रशासन के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने दहा से मदनपुर की तरफ जाने वाली सड़क का अवरोध कर खड़े हो गए। सड़क पर वाहनों के आवागमन नहीं दिया, जिस कारण से अधिकारियों की गाड़ियों को दहा गांव के पास ही रोकना पड़ा। प्रशासन की एंट्री को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क और खेतों में खड़े हो गए। 12:35 पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी ने धरना स्थल के पास पहुंचे और प्रमुख लोगों व पीड़ितों पक्ष से बातचीत शुरू की। पीड़ित परिवारों का पक्ष रखते हुए उमेश सिंह कश्यप, कर्ता राम कश्यप, जीवन सुभाष, बंसी और अन्य लोगों ने अधिकारियों को बताया कि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस केस की सुनवाई चल रही है। उन्होंने मांग रखी कि प्रशासन फैसला आने तक कोई कार्यवाही ना करे। ग्रामीणों के तेवरों को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। मधुबन थाने में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। करीब 25 मिनट की बातचीत के बाद अधिकारियों ने कब्जा कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इस बैठक में शामिल हुए उमेश सिंह कश्यप ने बताया कि पीड़ित परिवारों के पास जमीन के मालिकाना हक से सभी दस्तावेज हैं और यह मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन भी है। प्रशासन ने मौके की स्थिति को देखते हुए पीड़ित परिवारों को 10 दिनों की मोहलत दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था को देखते हुए आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। परिवारों का दावा है कि हरियाणा गठन के बाद हुए एक सर्वे में मदनपुर गांव के रकबे की करीब 33 एकड़ भूमि सरप्लस हुई थी। साल 1968 में सरकार ने इस सरप्लस भूमि को 17 परिवारों को अलॉट कर दिया। जमीन अलॉट होने के बाद उनके बुजुर्गों ने सरकारी नियमों के अनुसार भुगतान भी किया था। सरकार को दी गई किश्तों की रसीदें आज भी उनके पास हैं। अलॉटमेंट के 50 वर्षों के बाद सरप्लस भूमि को खारिज करने के आदेश जारी होने के बाद 3 दर्जन परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटक रही थी। पीड़ित परिवारों के समर्थन में हुई महापंचायत में इस फैसले के विरोध का ऐलान कर दिया। उधर दूसरा पक्ष एसडीएम की अदालत के आदेश पर जमीन कर कब्जा लेने की कोशिश में है। देखो, इनके पास से मालकाना हक है। अगर ये जितनी भी जमीन थी सरकार ने इनको दी थी, अलाट की थी, अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो सरकार इसका फैसला करे, कोर्ट में जाए, बताए कि भी हमने ये जमीन दी थी। अगर मान लो उनसे कोई गलती हुई भी है, हम तो प्रशासन से बात करेंगे और हमने करी भी है, तो अगर सरप्लस की अगर किसी की जमीन है अगर गलत दे दी तो भैया इनको आपने पैसा लेकर के अगर किसी को कोई प्लाट दे दे, भाई सेक्टर में ये तेरा प्लाट है, ये हर पैसे भी जमा करा ले और उसके बाद उस मकान को कोठी बना ले, अपना मकान बना ले और फिर गवर्नमेंट कह दे कि भाई यो तो हमने गलत दे दिया तेरे को, तू खाली कर दे। तो ये तो वो हाल हो रहा है इन गरीबों के साथ, ये अन्याय है। और ये तो गवर्नमेंट ने दी और अरपिन ने पूरा पैसा जमा करा दिया, इनके नाम सारी मोटेशन सब कुछ हो गया, हेरा फेरी करके इन्होंने ये जमीन किसी तरीके से कुछ लोगों ने ये वापिस कोर्ट के आर्डर कराए हैं। तो हम ये कहते हैं अगर ये जमीन जा रही है तो दूसरे लोगों को, भाई अगर सरप्लस की जमीन और भी बहुत पड़ी है, सरप्लस की जमीन यहाँ बहुत पड़ी है, अगर किसी की जमीन गई है, अगर गलत काट दी तुमने, गलत दे दी गरीबों को, तो आप उनको सरप्लस वाले को दूसरी जमीन देते हो। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, उनको पैसे दे के ली है जमीन, पैसे दे के ले रखी इनके नाम सब कुछ कागज है। अब गरीब आदमी है, कोर्ट कचहरी के मामले में जा नहीं सकते,
ना जा दाढ़ी मजदूरी वाले लोग हैं, गलत है बिल्कुल एकदम। ऐसा है जी, इसमें जितने भी ये गरीब लोग शामिल हैं, इसमें एक कोर्टों में खींचते खींचते इन गरीब लोगों पे कहाँ इतने पैसे। हाई कोर्ट में एक एक वकील चार चार पांच पांच लाख रुपए मांगता है और इतने लोगों के कहाँ गए। इनको तो सरकार बेघर करने पे तुली है और ये एक सरासर अन्याय है इन गरीब आदमियों के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गोयल है। कितनी एकड़ भूमि है? 34 एकड़ 34 एकड़ भूमि है। हाँ, और 25 किसान
किसी के पास 34 एकड़ में, किसी के पास 1 किला 2 किला, यही थोड़ी थोड़ी जमीन है, इसी से उनके मतलब परिवार का गुजारा चल रहा है। और वैसे तो मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दो किले में कोई गुजारा नहीं करता। प्रशासन आज छुड़वाने के लिए आ रहे हैं, प्रशासन कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं। अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे मारेंगे, अपने बच्चों समेत ही मरेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। तो 8 तारीख की फिर छुट्टी क्या पड़ेगी? 9 की छुट्टी, 10 की छुट्टी, 10 की छुट्टी, 11 की छुट्टी और 12 की छुट्टी। आज 13 तारीख है, इस टाइम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। हम भी चाह रहे हैं कि जिसकी सरप्लस में मान लो गवर्नमेंट ने गलत ले ली तो भाई उनका भी इंजाम करो, और जिनको गवर्नमेंट ने ये जमीन दी है उनका भी इंजाम करो। तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ही किसी गलती है, गलती है तो किसी सरकार की है। तो आप हम आपको बताना चाहेंगे तमाम राइट सेलर्स के प्लॉट की, ये सब लोगों को, उस लोगों पे लोग 100 साल हो गए, 75 साल हो गए बैठे हैं, और ये धक्काशाही हो रही है बिना बात के। कुछ गुंडा तत्व बीच में मिक्स हो गए हाई कोर्ट को, जो आदमी पहले केस लड़ रहे थे खिलाफ वो फेवर में जाके उनसे जिम्मेदारों को बहका के, और वो उस तरह से आ रहे हैं। इस तरह इसमें कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा काम है। लोगों ने जमीन अपने दादे परदादों से खरीद रखी है, 5-5 बार बिकी है, 5-5 बार सरकार को इसका रेवेन्यू गया है, हर तरह से क्लीन चिट दे के लिए 20-20, 30-30 साल हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। हमने यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, बैंकों से लोन ले रखा है, ये सब जगह फर्ज जमा है। अगर कहीं गलती है तो सरकार की है, कोर्ट की है या लोगों की है। तो क्यों कर रहे हैं आज ऐसा? ये बदमाशी हो रही है जी हम लोगों के साथ, गरीब लोगों को मार रहे हैं ये सब। यहाँ कितने सेलर्स पड़ते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे 3 सेलर हैं जी, रामदेव राइस मिल है, उसमें 7 किले आए हैं उसके, वो बेचारा मतलब सारा उसका कंस्ट्रक्टेड है, सब कुछ है, राजेश इंडस्ट्री है, कमला राइस मिल है, और यहाँ 100 के करीब और जिम्मेदार हैं, जिनके छोटे छोटे हैं, कोई 2 बीघेगा, कोई 4 बीघेगा, कोई 1 बीघेगा, लेकिन उन सब के साथ गला काटने वाली बात। उन्होंने बेचारों ने अलॉट करी जमीन ली है, सरकार ने अलॉट की है, कहीं गलती है तो सरकार की है। प्रशासन क्यों दलबल के साथ आज पहुंचा यहाँ? पता नहीं जी, भगवान जाने जी क्या हो रहा है, ये भगवान को पता है या प्रशासन को पता है, लेकिन इसमें कोई भी आदमी यहाँ धक्के से कब्जा करके नहीं बैठा हुआ, सब लोग मालिकाना हक पे बैठे हैं। कुछ प्रशासन के लोगों को मालिकाना हक जो कुछ लोगों के साथ मिलके ये घपला कर रहे हैं, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि वो जो एक न्याय होता है गरीब जनता के साथ, गरीब जनता है, इतने छोटे छोटे मकानों में यहाँ पे रह रही है, सेलर इतने टाइम से यहाँ 35-35 साल से लगे हुए हैं, आज 5-5, 6-6 बार उनकी रजिस्ट्री हुई है, सरकार उस पर रेवेन्यू गया हुआ है, उसके बाद आज एकदम से अचानक ये कब्जा करने यहाँ पे पहुँच गए हैं। सारी पब्लिक और सारे गरीब लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं हजारों की तादाद में, हमारी सरकार से गुजारिश है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।